ਐਸੀ ਦੋਵਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪੱਖੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਗਾਜ਼ ਅਪ ਫੋਰ ਅ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਟ ਸਮ ਆਫ ਯੂ ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰੀ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ 8th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਰ ਵਾਸ ਦਿਸ ਕਿਡ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਜਸਟ ਵਨ ਟੈਸਟੀਕਲ I know, this is not funny. This is not funny. Funny part is, usko lagta tha, puri duniya ka ek hi hota. You know, it's like, sir, aapka kya naam? Ankit ji, aapke kitne? Jitne hote, hume kya pata kitne hote? Humne thoda dekhe hain aapke? But let's assume, Ankit, you have two. For common understanding, Ankit has two testicles. और अंकित मान लो आपको आज पता चले कि हम सबके तीन हैं, तो आपकी दुनिया बिखर नहीं जाएगी अचानक से? आपकी छोड़ इनकी दुनिया नहीं बिखर जाएगी अचानक से? नहीं, आप बाहर जाके गाना नहीं गाओगे? छन से जो खोए एक गोटा. तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस लेट स्टैंडर्ड, क्योंकि स्कूल में ऐसे बात थोड़ा करते हैं. भाई तेरे कितने हैं? भाई तू कितने लाया आज? तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस. तो हमें तो कब जाके पता चला? रिमेंबर दैट फर्स्ट बायो क्लास? याद है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्लास जिसमें बताते बेटा ये दोनों डायग्राम मिलते हैं, तो खूब मजा आता है. हाँ, ये दुनियादारी है असली चीज, ये हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब चूतिया पे हटाओ, हटाओ दिखा दे ना दोनों पे जा मजा. डायग्राम को साथ मिलाओ, जिंदगी का आनंद है बेटा. तो ना सेम क्लास में मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, राहुल नाम था इसका, और वो देखे जा रहा है डायग्राम, और लड़के वाला डायग्राम देख रहा है और देखे जा रहा है. और उस टाइम मुझे नहीं पता होमोफोबिया गलत चीज है, उस टाइम तो हम सब होमोफोबिक थे यार. तो वो देखे जा रहा है डायग्राम, कह रहा भाई सुनियो जरा. मैं कहूँ मेरे से बदतमीजी नहीं, समझ गया ये सब नहीं चलेगा. कह रहा भाई सुन तो. क्या भाई गलत बना दिया है? मैं कहा एनसीईआरटी ने गलत छाप दिया, रिप्रोडक्शन गलत छाप दिया. मैं कहा दिखा जरा. तो मैंने चेक करा, मैंने कहा हाँ यार टांगे थोड़ी टेढ़ी तो लग रही. कह रहा भाई टांगे नहीं, दो किसके होते हैं? मैं भाई ऐसे ही तो होते हैं. किसके? मैं कहा भाई मेरे तो दो ही हैं. तो मुझे कहता हो, कहता भाई लगता है तुझे वाली प्रॉब्लम हो गई है. और भाई साहब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि एक बार को तो मैं खुद ही कांप गया. मैंने कहा कि मेरे तो दो नहीं है कहीं, सिर्फ कहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है यार कभी कभी. मैंने कहा कि मैं इतनी इस दुनिया का ऋतिक रोशन, उसको भगवान ने एक्स्ट्रा अंगूठा दे दिया. तो मैं तो फुल पैनिक में, आ गया यार. मैं इतना पैनिक में, उधर शरद बैठा था, मैं शरद भाई तेरे कितने हैं? शरद कह रहा भाई मेरे 43. मैं भाई क्या, मैं भाई गुच्छा ले घूम रहा है क्या? मैं कहा भाई गोटे की अंगूर है. मैं भाई तो चबा के खाकर तेरे खट्टे हो जा रहे हैं.
तो मुझे कह रहा मेरे मार्क्स 43 मैं मार्क्स मेरे 40 कितने यार या मार्क्स की बात हो रही है तो उस दिन मैंने पूरी क्लास में चेक करा मतलब ऐसे चेक नहीं करा से वर्बली चेक करा कि तुम्हारे कितने अच्छा 2 अच्छा ओके तुम्हारे कितने हो गए 2 तुम्हारे 2 अच्छा गलती है लड़की से पूछ लिया टोटल थप्पड़ हाथ हराम जाती तो उस दिन पूरी क्लास में चेक करा हमने टोटल तो टोटल 47 गोटे निकले 47 Now here comes the logical ability question. तो बताओ क्लास में कितने लड़के थे तो उस दिन जाके उसे पता चला कि दुनिया के 2 हैं बट द कैच इज उस दिन हमें ही पता चल गया इसका तो एक ही गोटा है रे भाई साहब इतने हरामी बच्चे मेरे स्कूल में आग की तरह खबर फैला दी यार राहुल का एक ही गोटा इतने सारे बच्चे भाग भाग के भैया राहुल भैया दिखाओ किधर राहुल भैया दिखा दो सामने वाले स्कूल के बच्चे अपने स्कूल टॉप टॉप के हमारे स्कूल में आ रहे अरे आज तो राहुल को मिलकर जाएंगे उसके बिना नहीं जाएंगे हमने कभी नहीं देखा यार भूत नजारा मजाक नहीं हमने राहुल की मुंह दिखाई तो 2 रुपये टिकट बेची है इतने बदतमीज बच्चे यार मेरी क्लास में उसको अगले दिन वो दे दिया यार पेन लगे यूनिबॉल गैरली किससे इतने हरामी बच्चे में उसका नाम रख दिया स्कूल में नो बॉल नाम रख दिया नो बॉल वो कॉरिडोर में चल रहा बच्चा नो बॉल देखो थोड़े दिन तुमने मजाक करा देन वी वर लाइक डूड ये तो गलत चीज है यार ऐसे किसी का होता थोड़ा ना नेचुरल तुमने कोई नहीं यार एटलीस्ट विल टेक यू डॉक्टर वंस देखते हैं क्या सीन है तुमने क्लास में सबने पैसे इकट्ठे करे चंदा इकट्ठा करा अंडर द एजिस ऑफ गोटा चंदा हम लेके गए उस डॉक्टर के पास डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताओ क्या पता चला एक नहीं 2 ही थे वो एक हल्का स्पोर्ट्स इंजरी हुआ हल्का सा ऊपर आ गया डॉक्टर का छोटा सा ऑपरेशन होगा सही हो जाएगा और इसकी तो ऐसी फटी भाई साहब ये तो इतने पैनिक में आ गए कह रहा सर ऐसे दबा दबा के नीचे ले जाओ ना सर सर ऐसे जा सकता मुझे ऐसे कर करके ले जाओ डॉक्टर कह रहे मैं बैठ के आटा मल रहा हूँ ना हाँ जो तेरा यहाँ पे लगाया बेला ना जा बेटा आ जा कह जाओ ना पापा को लेके ऑपरेशन होगा भाई साहब इसकी तो फट गई यार क्योंकि अपने बाप को बताना मुश्किल है ना ये चीज़ ये थोड़ा बता देगा कि पापा ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया पर वी वर वेरी सपोर्टिव टेंशन मतलब हम चलेंगे तेरे साथ यार हमारा मोरल सपोर्ट है तुझे और हमें कोई समय तो मजे लेने दे यार तो जाकर पापा को बताया उसने बड़ी मुश्किल से कहानी सुना सुना के कुछ तो बताया पापा की तो भाई साहब ऐसी फटी हमें लगा अंकल का एक गोटा के मुंह में ना आ जा कि अंकल आप तो अंदर करो क्या हो गया कहीं 2 ऑपरेशन ना कराने पड़ जाए लाइक नॉट लिटरली फिगरेटिवली कि अंकल वॉज इन सो मच ऑफ शॉक कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया यार बट स्टिल अंकल वॉज सपोर्टिव कि चलो कोई नहीं है तो अपनी औलाद ऑपरेशन तो कराना ही है तो डॉक्टर ने लेके गए 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करा और बाहर हम दोस्तों ने सट्टे लगाने शुरू कर दी तो भाई आएगा एक का दो आएगा नहीं एक का दो आएगा एक का दो आया सीन है कुछ इसे आधे घंटे बाद ऑपरेशन कर गुरा के डॉक्टर वापस से बाहर आया तो यहाँ पे ना इसके पापा खड़े थे और यहाँ पे हम तीनों खड़े थे तो डॉक्टर आया डॉक्टर वॉज लाइक सर द ऑपरेशन वेंट एब्सोल्युटली फाइन इट ऑल्सो लुक्स एब्सोल्युटली फाइन जस्ट वन स्मॉल थिंग योर सन हैज टू मास्टरबेट वंस सो दैट वी नो ही इज प्रॉपरली फर्टाइल और ऐसे बोलकर डॉक्टर चला गया जैसे कि उसका बाप और हम रोज ये सब बातें कर रहे हैं केमिस्ट्री देखनी चाहिए ना यार तो अंकल ने हमें देखा हमने अंकल क्या बोले डॉक्टर साहब डब्बा डब्बा क्या बोले क्या मोटर चलानी है क्या तो अंकल का कुछ नहीं मैं बता के आता हूँ उसे कुछ बताना है तो अंकल गए बताने पीछे पीछे हम भी चले गए क्योंकि हमें जानना था यार कि ये कॉन्वर्सेशन कैसा है यार बिकॉज नाउ टेबल्स वर टर्न्ड अब एक बाप के लिए मुश्किल है ना बच्चों को बताना
कि बेटा डमरू बजाने का वक्त आ चुका है. तो मैं गया, पहले गया, मेरे को कह रहा, लेटे लेटे कह रहा, भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी जिंदगी पूरी सी हो गई है. मैं अपने बाप से बात कर जरा, तेरी जिंदगी पूरा चक्कर भी पूरा हो जाएगा, तेरा मोक्ष मिलेगा आज ही. पापा भी, भाई बच्चे को कैसे बताएं, मुश्किल है ना पापा के लिए बताना बच्चे को. पापा ने कहानियां बनानी शुरू कर दी, कह रहे बेटा देखो यही तो जीवन का सार है. बेटा जीवन क्या है, कोई बेटा बाद में बड़ा होता है, कोई बेटा पहले बड़ा हो जाता है. बेटा क्या है, जीवन है जो जीवन और मृत्यु. कह रहे पापा हिलाना है क्या. पापा कह रहे बात बीच बाप से ऐसे बातें करता है. हाँ वही करना है. तो गया अंदर यार, घर घुरा करके आया, कुछ नहीं बचा, बाप बेटे में क्या डिफरेंस बचा यार. चेकअप करा तो पता चला फुल फर्टाइल. डॉक्टर खुश, बाप खुश, हम खुश. और हमने स्कूल में फोन मिला दिया कि स्कूल को सजा दो, स्कूल में तो कार्निवल होना चाहिए. भाई आ रहा है दो गोटे लेकर के, मजाक नहीं, हमने पूरा स्कूल सजवा दिया यार. थीम रखी स्कूल की टू, जैसे हमारे स्कूल में सारे गमले अलग अलग पड़े हुए थे ना, सब गमलों के दो दो जोड़े बना बना के रख दिए. वो असेंबली में घुसा, गाना चलवा दिया, मेरे दोन बोल रहा था नेक राम दूजा लखन. क्लास में घुसा, क्लास टीचर ने खुद ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया यार 47 + 1 = 48.